ला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 11 पीसी में स्टार्ट मेन्यू में म्यूजिक वीडियो और फोटो फोल्डर को कैसे ऐड करते हो आज के वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में वीडियो फोटोज और म्यूजिक का फोल्डर यहाँ पे ऐड नहीं है। उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको विंडोज सेटिंग में जाना है। उसके लिए आपको विंडोज प्लस आई की प्रेस करना है। सेटिंग में आने के बाद आपको आना है पर्सनलाइजेशन में। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, फोल्डर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे फोल्डर शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अनेबल करना है यानी ऑन कर देना है, पिक्चर्स है अनेबल कर देना है। उसके बाद आपको वीडियो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उसको भी आप अनेबल कर देना है। उसके बाद आपको क्लोज कर देना है, स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में म्यूजिक वाला फोल्डर मिल जाएगा और पिक्चर वाला फोल्डर मिल जाएगा और वीडियो वाला फोल्डर मिल जाएगा। अगर आपको पिक्चर वाला फोल्डर ओपन करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा रोल और सेव्ड पिक्चर। तो आप इस तरह से विंडोज 11 पीसी में स्टार्ट मेन्यू में म्यूजिक पिक्चर और वीडियोस फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक्ज़िला चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट।